words, don't think of words. These are live visuals on your screen right now. आपको बताते चलें कि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। क्या है? आपको बताते चलें कि 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्रोग्राम में मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे पौधे लगाए गए और माहौलियात को बहाल किया गया। इसकी आलमी सतह पर भी तारीफ की जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह से माहौलियात को बहाल किया, पौधे लगाए, दरख्त उगाए, जिससे माहौल में बहुत खातिर खा बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। और मलक अमीन असलम साहब, स्काउट्स क्लब, लेट्स गो। जी नाज़रीन, आपको बताते चले स्काउट्स का आलमी दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट शिरकत कर रहे हैं। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब शफकत महमूद साहब, रिजाज गुल साहिबा, मेरे स्काउट्स भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमें पता है कि आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, कल आपने ट्रैवल करना है, लेकिन आपने उसके बावजूद ये हमारे स्काउट्स जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके लिए यहाँ पर आज आप तशरीफ लाए हैं, इनको इनक्रेज करने के लिए। ये थोड़ा सा सर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो आपका ख्वाब था 10 बिलियन ट्री सुनामी का और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, वो कहाँ तक पहुँचा है जी? आगे कर दीजिए सर। अल्लाह के फजल से हमारा इस वक्त एक ग्रोइंग मोमेंटम है 10 मिलियन ट्री का, और जिस तरह केपी में हमने अपने टारगेट्स अचीव किए थे सेकंड ईयर के बाद, उसी तरह अल्लाह के फजल से इस वक्त हम 1.5 अरब के करीब जो पौधे हैं वो लगा चुके हैं, और इसके अंदर केपी और सिंध दोनों जो हैं वो टारगेट के अंदर लीड कर रहे हैं जी। आगे कर दें। इसी के साथ साथ हमने जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक बनाया था केपी में, वो अब जहां पे भी रेप्लिकेट हो सकता है, हो चुका है। ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 9,500 साइट्स हैं इस वक्त जहां पे प्लांटेशन हो रही है, बट ईच एंड एवरी साइट इज नाउ ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट पर जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ पर लग रहे हैं, कौन से पौधे लग रहे हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ये पूरा इस वक्त हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है, और 44% ऑफ द टारगेट जो आपने हमें दिया था कि 2023 तक हमने 3.2 बिलियन तक पहुंचना है, वो हम अचीव कर चुके हैं, और इंशाल्लाह जितने हमने अभी तक अचीव किए हैं इतने ही हमने अगले 2023 तक अचीव करने, और अब वो मोमेंटम बन चुका है हमारे पास, नर्सरीज मौजूद हैं, प्रोडक्शन हो रही है, और इंशाल्लाह हम वो टारगेट आपका अचीव करके देंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था केपी की सक्सेस का ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो ये था कि पीपल सेंट्रिक हमने प्रोजेक्ट किया था, जहां पर भी तकरीबन 2.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इस वक्त तक हम दे चुके हैं इसमें, और इंशाल्लाह उसको भी मजीद इस साल जो है वो बूस्ट मिलेगा। और उसी के साथ कम्युनिटीज को लोकल इन्वॉल्व किया हुआ है और एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस के साथ चल रहे हैं जी। आगे कर दीजिए सर। यही वजह है कि आज ये प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल से और आपका जो विजन है, ये तमाम पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम दुनिया में रिकग्नाइज हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कोई महीना पहले दुनिया में 3 फॉरेस्ट्री चैंपियन बनाए, और उनमें से एशिया पैसिफिक के लिए सिर्फ पाकिस्तान को फॉरेस्ट्री चैंपियन के लिए चुना, और उसकी वजह सिर्फ ये थी, ये नहीं थी कि हमारे पास प्लांट्स ज्यादा हैं, वी आर ओनली 5% फॉरेस्टेड। वजह यह थी कि हमारा मॉडल कामयाब है, और उस मॉडल से हम अपनी जो डीफॉरेस्टेशन को
रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चैंपियंस ऑफ नेचर का एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल किया है। फिर आप के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि हर साल एक मुल्क को चुना जाता है, और इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो होस्ट किया था। और अब अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं अभी सऊदी अरेबिया से वापस आया हूं और वहां पर एक एमओयू हमारे साथ साइन हुआ है, और मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया जब उनके मिनिस्टर से मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने उनको तजवीज़ दी कि जी हम एक ज्वाइंट एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें ज्वाइंट एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, हमें आपके एक्सपर्ट्स चाहिए जो आके हमें अपना मॉडल बना के दें। तो आई थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस। जर्मनी के वजीर परसों आए हुए थे यहां पर एनवायरमेंट के, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने अपने वर्ड्स को बैक किया है विद फंड्स, और 20 मिलियन यूरोज का हमें दिया कि हम हिस्सा डालना चाहते हैं 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के अंदर। उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं हफ्ते बाद, और उन्होंने पहले से हमें लिखा हुआ है जी कि वन ऑफ द थिंग्स ही वांट्स टू डू इज कि मैं 10 बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट को विजिट करूं। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने तो सारी दुनिया के सामने ये कहा था कि अगर दुनिया एनवायरमेंट के ऊपर कुछ सीखना चाहती है तो उसके लिए उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आखिर में सर, ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है या ग्राउंड पे, ये दरख्त अब हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा भी बन रहे हैं। ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान का कार्बन स्टॉक बढ़ा रहे हैं, और उस कार्बन स्टॉक की अब एक वैल्यू है। COP26 के बाद जो $1 की वैल्यू थी वो $15 पे चली गई है। तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर रहे हैं, आपके सामने जल्द पॉलिसी लेकर आएंगे। वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी हमारे साथ इंगेज है, $1 बिलियन तक वो देना चाहते हैं इस समर में नेचर बेस्ड पॉलिसी लैंडिंग, यानी कि जो अहदाफ हमने अपने लिए चुने हैं वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर आपने पूरे कर दिए तो हम आपको ये लैंडिंग देंगे जो कि आप अपने बजट में डाल सकेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह दुनिया का पहला मुल्क होगा जो ये काम करेगा। तो इंशाल्लाह ये दरख्तों की बदौलत हुआ है। और आज सर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, आगे कर दे जी सर। एक तो ये जो हमारा इस साल का टारगेट है, इस सीजन का, आप देख सकते हैं कि 2019 में हमारा अपना जो टारगेट था 10 करोड़ का, उसको हम 50 करोड़ का टारगेट 5 गुना ज्यादा इस सीजन में हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे तमाम प्रोविंसेस में पाकिस्तान में। जी आगे कर दें सर। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है पाकिस्तान के लिए और हमारे इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि आज ये जो आपके सिपाही हैं क्लीन ग्रीन स्काउट्स, इंशाल्लाह ये आपकी इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। और हमारा एहदाफ ये है कि जिस मूवमेंट को पाकिस्तान में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट किया था, ही वॉज द फर्स्ट स्काउट इन पाकिस्तान। मेरी शफकत साहब से इस सिलसिले में बात हुई, इनकी बड़ी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन फोर्स है ये, इसको और 8 लाख स्काउट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इनको इंशाल्लाह हम अपने क्लीन ग्रीन प्रोसेस में डाल रहे हैं। इन सबको कहा है हमने कि वो रजिस्टर करें, एक एमओयू हमारा इनके साथ साइन हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये हमारे इस प्लांटेशन मूवमेंट में भी और उसके साथ साथ हमारी जो क्लीनलीनेस की मूवमेंट है, दोनों में आपके साथी बनेंगे और आपके बाजू बनेंगे। ये आगे कर दें जी। ये सर लास्ट स्लाइड है, ये सिर्फ जो आपने क्लीन ग्रीन प्रोसेस स्टार्ट किया था उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास 1.5 लाख चैंपियंस इस वक्त तक रजिस्टर हो चुके हैं। हमारा इंशाल्लाह अहदाफ हदफ ये है कि इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह हम इनको 10 लाख तक लेके जाएंगे। उस सिलसिले में बीकन हाउस स्कूल्स ने कल हमारे साथ एमओयू साइन किया है, उनके पास 1 लाख स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैव प्रॉमिस कि वो सारे के सारे इसमें रजिस्टर होंगे। इसी तरह ये 8 लाख स्काउट्स हमारे साथ रजिस्टर होंगे और इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि ये हमारे बाजू बनेंगे इस मूवमेंट के अंदर जो कि आपने स्टार्ट किया है, जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह सफा भी करेगी और इंशाल्लाह हरा भरा भी करेगी। आखिर में सर आपका शुक्रिया दोबारा अदा करता हूं और अपने स्काउट से कहता हूं कि एक नारा मेरे साथ मिलकर लगाएं, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू सर। इस बहार शजरकारी के रूह रवा हमारे सरफराज कमर डार साहब, चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन है, तो पीएम को बुलाने से पहले मैं चाहता हूं कि उनके लिए स्काउट्स क्लैप करें। स्काउट्स क्लैप, लेट्स गो। थैंक यू सर। स्टेज पे बुलाने से पहले मैं बताते चलूं कि पाकिस्तान बॉय स्काउट्स आपकी इस मुहिम में आपकी हम रकाब है। इंशाल्लाह हम आपके ख्वाब को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं इमरान खान न्याजी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आके
बाहर शजरकारी के मुंह के इफ्तिताह करें। स्काउट्स क्रैप्स लेट्स गो। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदो या कनस्ताइन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के स्काउट्स को आज उनके फाउंडर्स डे पे मुबारक देता हूं, और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के खास तौर पर मुस्तकबिल को तहफ्फुज़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को खास तौर पर आज और अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज्यादा मौसम की तब्दीली क्लाइमेट चेंज से खतरा है। और इसलिए यह जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है, सबने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन मां बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी वो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाजा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान ने कितना बड़ा हमें तोहफा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहां हर किस्म का दरख्त लग सकता है, यहां हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। यह अल्लाह की खास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी जमीन की, जो अल्लाह ने हमें यह जमीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में यह अजाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज को भी इंसानियत को खतरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज किया है, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा एतमाद है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब हम अब इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस तरह
जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इससे ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारा ये जो, हमारी जो कोशिशें हैं दुनिया ने एक्नॉलेज की हैं। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक्नॉलेज किया, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान लीडर्स हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जंग दुनिया लड़ रही है। तो मैं फिर से अपने सारे कौम को, ये आज सारी कौम को ये इस चीज का एहसास दिलवाना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हमने अभी तक जो अपने मुल्क की परवाह नहीं की, इससे हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है तो आज से सारा मुल्क इस मुहिम में, शजरकारी में शिरकत करे। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। स्काउट के आलमी दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब जारी थी। मुल्क भर से 7.5 लाख अकाउंट्स में मुहिम शिरकत कर रही हैं। शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। शजरकारी के हवाले से वज़ीर आज़म के विजन को आलमी सतह पर सराया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी है, दरख्त लगाएं। हर खानदान को 5 दरख्त लगाने का कहता हूं। पाकिस्तान को अल्लाह ने 12 मौसम दिए हैं। हर किस्म का पौधा, हर किस्म का फल यहां लग सकता है।